तो हमारे साथ संवाददाता अतुल भी जुड़े हैं। अतुल, दिल्ली पुलिस ने अब तक जो छानबीन की है उसमें क्या तथ्य मिले हैं, और आज भी दिल्ली पुलिस कितने बजे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है उसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अमित, जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस की टीम एफएसएल के साथ यहां पर पहुंची थी, उसके बाद स्वाति मालीवाल को भी सीएम हाउस में बुलाया गया था, तो पूरे एविडेंस जो है वो यहां से कलेक्ट किए गए। जो पूरी घटना है 13 मई का, उसको पूरा रिक्रिएट किया गया। स्वाति मालीवाल आती हैं, किस कमरे के अंदर वो बैठती हैं, पहले किन लोगों से मिलती हैं, किन लोगों से उनकी बात होती है, जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचती हैं तो वहां पर कौन कौन लोग थे, ये तमाम रिक्रिएशन जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। और इसके अलावा 13 मई को जब स्वाति मालीवाल यहाँ पर टैक्सी से पहुंची थी सीएम हाउस में, तो उसके बाद जब वो अंदर जाती हैं तो कौन कौन लोग थे, जब उनके साथ मारपीट की गई, जब वो बाहर निकली, रोते हुए वो बाहर निकली थी, तो उस समय किन किन लोगों से लोगों ने उनको देखा था, कौन कौन लोग जो स्टाफ है सीएम हाउस के अंदर वो घर के अंदर मौजूद थे, ये तमाम चीज़ें हैं उनकी पूरी जो बयान है वो पुलिस ने दर्ज किए हैं। तो अभी जो डाटा है, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सीएम हाउस के बाहर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 से 8 कैमरे हैं, और इसके अलावा जो सीएम हाउस है उसके अंदर भी कैमरे हैं, उन तमाम कैमरों का जो डाटा है वो यहाँ से जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो लेकर गई है, और जो फॉरेंसिक की टीम थी उसने तमाम सबूत यहाँ से इकट्ठा किए। तो ये पूरी जो घटना हुई, जो स्वाति मालीवाल के कल सीआरपीसी 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए थे, उसके बाद उनको यहाँ पर लेकर आया जाता है, एक एक सबूत यहाँ से उठाने की कोशिश की जाती है, और इसके बाद क्योंकि अभी और भी ऐसे लोग हैं जो सीएम हाउस में 13 मई को थे, जो घर पर कल मौजूद नहीं थे, उनके बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी। माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद कभी भी दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहाँ सीएम हाउस पर आ सकती है। वहीं अगर विभव कुमार की बात करें अमित, क्योंकि वो लगातार अभी तक जब केस रजिस्टर हुआ है उसके बाद से फरार है, उनको ढूंढने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इसके अलावा जो स्पेशल सेल की टीम है वो लगातार काम कर रही है, उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो यहाँ जो सीएम हाउस है वहां से तमाम एविडेंस उठा रही है, जो स्वाति मालीवाल के बयान लिए गए 164 के बयान किए गए, वहीं जो दिल्ली पुलिस की जो बाकी क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम है वो विभव कुमार को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रही है। वहीं विभव कुमार ने भी कल एक कंप्लेंट जो है वो बकायदा मेल की है, जो कि डीसीपी नॉर्थ और इसके अलावा एसएचओ सिविल लाइंस को मेल की गई। लेकिन जाहिर सी बात तो ये है ना अतुल, कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आते हैं, लेकिन जब दिल्ली पुलिस को उनकी लोकेशन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में विभव कुमार कहीं गायब हो जाते हैं। भास्कर, पहले आकर संजय सिंह का यह कहना कि मालीवाल के साथ, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई, नाम भी सामने आया विभव का, सस्पेंशन की भी बात हुई, फिर एक यू टर्न मारा गया, तो सियासी हलकों में आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या मजबूरी हो गई कि उन्हें यू टर्न लेना पड़ा और स्वाति मालीवाल को ही अब बीजेपी का मोहरा बता दिया गया? देखिए, 13 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पे जो कुछ भी हुआ, पार्टी उसको पार्टी स्तर पे ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, और इसके लिए बातचीत की जा रही थी स्वाति मालीवाल से, संजय सिंह बात कर रहे थे, और ऐसी जानकारी हमारे पास है कि शायद इस बात को लेकर समझौता हो गया था कि अगर पार्टी सामने आके विभव कुमार का नाम ले लेती है और वो कहती है पार्टी कि विभव कुमार ने बदसलूकी की है, तो इस मामले को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा पुलिस में, और ऐसा ही संजय सिंह ने कहा। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान पढ़ा और उसके बाद पार्टी ये मान के चल रही थी कि अब ये सारा मामला खत्म हो गया है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ विभव कुमार थे और इस मुद्दे पे मीडिया वहाँ पे उनसे सवाल करना चाह रही थी, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले, माइक बढ़ा दिया संजय सिंह की तरफ, और वहीं दूसरी तरफ विभव कुमार गाड़ी में बैठे हुए थे, तमाम मीडियाकर्मी वहाँ पे पहुँच गए और उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की गई, शीशा बंद था गाड़ी का, वो बात नहीं किए, और ये खबर बहुत प्रमुखता से चलाई गई कि अगर पार्टी ये मान रही है विभव कुमार दोषी है तो उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल उसको साथ में लेके क्यों जा रहे हैं। उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ गया, स्वाति मालीवाल ये सब देख रही थी, उसको स्वाति मालीवाल को ये लगा कि ये हमारे साथ धोखा है, एक तरफ पार्टी ये कह रही है कि सीएम ने खुद संज्ञान लिया है, विभव कुमार के ऊपर में कार्रवाई होगी, और उसके बावजूद उसको साथ में लेके घूम रहे हैं सीएम, ये दरअसल उनके साथ धोखा हुआ है, और उसके बाद ही ये मामला बिगड़ गया, और उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची है स्वाति मालीवाल के घर पे, 4 घंटे 35 मिनट तक टीम थी, पुलिस के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, और उसमें स्वाति मालीवाल ने शिकायत की और उस शिकायत में पूरा डिटेल बताया कि क्या कुछ हुआ है उस घर में, उनके साथ क्या हुआ है। पार्टी को ये लगा कि अब जब पुलिस में शिकायत हो चुकी है तो अब जो है बचाव का एक ही तरीका है कि
कि अपना पक्ष भी रखा जाए। कल इसीलिए आतिशी सामने आई और उन्होंने पूरा डिटेल दिया कि स्वाति मालीवाल कैसे घुसी घर में। हम पहले से ही इंडिया टीवी के दर्शकों को बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के एंट्री पे सवाल उठाया जाएगा, फोर्सफुली एंट्री बताई जाएगी, उनका अपॉइंटमेंट पहले से नहीं था, और इसी लाइन पे स्वाति मालीवाल और पार्टी ने बोलना शुरू किया। लेकिन ये जंग अब और बड़ी हो गई है, न सिर्फ स्वाति मालीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स हैं, विधायक हैं, वो सोशल मीडिया पे अब स्वाति मालीवाल पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये लड़ाई अब लंबी चलेगी और भी इसमें कई खुलासे होने वाले हैं दोनों स्तर से। पार्टी कुछ सबूत देगी, स्वाति मालीवाल कुछ पुराने संदर्भ बताएगी।